नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का वीडियो होने वाला है इस टॉपिक पे कि हम सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमने डिस्कशन किया था बहुत टाइम पहले। तो देखिए, जब हम भी सेक्स एंड लाइफ की अपनी बात करते हैं कि हमारी शादी के बाद, देखिए ये मैं इसको नेगेटिव क्वेश्चन में मत मार्क करना कोई भी, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, बिकॉज ये एक मतलब बहुत से युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक भी रहता है। ठीक है, शादी के बाद किसी किसी को इन चीज़ों में हर्डल्स प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता ही मिलता है। तो उसके भी योग होते हैं। देखिए बेसिकली D9 चार्ट ग्रह आपका लग्न में कैसा है, उसका रूट किस तरीके का है ग्रह का, वो D9 आपको बताता है, शादी की लाइफ बताता है, भाग्य के बारे में बताता है। ये स्पेशलाइजेशन मेन चीज़ है उसकी। ठीक है, बाकी जो मेन चीज़ जैसे अब D9 से आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका D1 में कोई 8th हाउस में उच्च का चंद्रमा बैठ गया वृषभ में, तो वहाँ पर तो ये शो कर रहा है कि हाँ व्यक्ति ना कहीं सेक्स लाइफ से मतलब कंफर्टेबली अच्छा रहेगी उच्च का चंद्रमा 8th हाउस में। पर यही चंद्रमा अगर यहाँ पर आपका मान के चलिए D9 चार्ट है और D9 में आपका एरीज नमांस राइजिंग है और 8th हाउस में यहाँ पर D9 में आपका चंद्रमा नीच का हो जाएगा, तो यही वो शो कर रहा है कि जहाँ चंद्रमा उच्च का हुआ था उसका फल तो या नीच का हो रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको सेक्सुअली कंफर्ट ना मिले, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, आपका मन उतना संतुष्ट ना हो अपने पार्टनर से, वो चीज़ आपको D9 में पता चल जाएगी। देखिए अगर आपका D9 का 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आपका सेक्स लाइफ अच्छा दिखाता है, बताता है कि हाँ व्यक्ति का सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा। अब इसके कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं बट उसको हम डिटेल में बात आगे करेंगे। 7th हाउस को देख ले क्योंकि लिब्रा साइन भी हमारी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप्स की राशि है, तो रिलेशनशिप पार्टनर के साथ किस तरीके का रहेगा सेक्सुअली वो भी ये बताता है। 8th हाउस वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 12th हाउस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्लड प्रेशर को बताता है। तो 12th हाउस 8th हाउस में फॉर एग्जांपल अगर आपका D9 चार्ट में 8th हाउस में सैटर्न बैठा है, केतु बैठा है, तो यहाँ पर ये ना ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि पार्टनर्स की संतुष्टि ना दे, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है। अगर आपका स्कॉर्पियो का सैटर्न है, केतु है D9 में, या स्कॉर्पियो राइजिंग है वहाँ पर सैटर्न केतु का योग आ रहा है, या फिर मरकरी आ रहा है, ठीक है, और आपका राहु भी आ रहा है, यह ग्रह पापी ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। 8th हाउस में कई बार मैंने देखा है, मैंने एक ही कुंडली देख रहा था कल, तो उनके 8th हाउस में D9 में वृश्चिक राशि में मंगल बैठे थे, उनका एरीज नमांस था, तो मैंने देखा कि उनको इतना संतुष्ट नहीं है सेक्स लाइफ से वो अपनी, तो उनको वहाँ पर कंफर्ट नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ वहाँ से आपको दिखेगी, वो आपको बताएगी कुंडली, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं शो होती है। ठीक है, तो उनके झगड़े बहुत होते हैं इस चीज़ के पीछे। उनका 12th हाउस भी बहुत ख़राब था, उनका 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर जो था वो 10th हाउस में नीच का था, एरीज नमांस राइजिंग था, ठीक है, नमांस में उनका नीच का था, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके के योग बन रहे थे, तो ये पता चल जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।